नमस्कार, मैं स्वयं प्रताप सिंह, भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे दैनिक मौसम चर्चा प्रोग्राम में। आज 21 तारीख, 21 जनवरी 2023 को। आइए प्रेजेंटेशन स्टार्ट करता हूं। जो आज के हाईलाइट है वो जो WD, एक इंटेंस WD आने वाला है, जो वेस्टर्न हिमालयन रीजन को 23 तारीख से, और प्लेन्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया को 24 से 27 के बीच में इफेक्ट करेगा। और इसी के साथ साथ कोई शीतलहर होने की संभावना नहीं है पूरे देश में अगले एक हफ्ते तक। और अगर बात करें ऑब्जर्व वेदर की, जो पिछले 24 घंटे में वेदर ऑब्जर्व हुआ, अगर मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो 4 से 7 डिग्री के बीच में रहा है आपका मेनी पार्ट्स में, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, और 7 से 10 के बीच में रहा है आपका राजस्थान, उत्तर प्रदेश, और आइसोलेटेड जगह में एक जगह बिहार और नॉर्थ मध्य प्रदेश में भी रहा है। अगर न्यूनतम तापमान की बात करें तो आज 3.5 डिग्री सेंटीग्रेड ऑब्जर्व हुआ है आपका हिसार में, हरियाणा में। और रेनफॉल की बात करें, रेन ऑब्लिक स्नोफॉल हुआ है आपका मोस्ट प्लेसेस पे, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और आइसोलेटेड प्लेसेस पे उत्तराखंड। और रेन की बात करें तो मेनी प्लेसेस पे पंजाब, फ्यू प्लेसेस पे ईस्ट उत्तर प्रदेश और चंडीगढ़, अंडमान निकोबार आइलैंड, बिहार, अरुणाचल प्रदेश और ईस्ट मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और रायलसीमा। और फॉग की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में और उड़ीसा और आसाम में इक्का दुक्का जगह पे डेंस फॉग देखने को मिला है। और सिनोप्टिक सिस्टम की बात करें तो एक WD हमारा साइक्लोन सर्कुलेशन की तरह अफगानिस्तान पर है, उससे एक ट्रफ भी है, और एक WD हमारा नॉर्थ पाकिस्तान एडजॉइन जम्मू कश्मीर में है, और इंड्यूस साइक्लोन सर्कुलेशन भी हमारा साउथ वेस्ट राजस्थान में है। और अब वेदर सिस्टम की बात करें तो जो ये WD जम्मू कश्मीर और नॉर्थ पाकिस्तान पर है, और इसके साथ साथ इंड्यूस साइक्लोन सर्कुलेशन है और जेट स्टीम भी है विंड, तो इसके कारण लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल होने की संभावना, रेनफॉल और स्नोफॉल जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में, और रेन लाइट रेन होने की संभावना है पंजाब में अगले 24 घंटे में। और अगर दूसरे WD की बात करें, जो आज साइक्लोन सर्कुलेशन कर अफगानिस्तान नेबरहुड है, उसी के साथ एक ट्रफ है जो धीरे धीरे मूव करेगा और हाई मॉइस्चर भी इसका अरेबियन सी से आएगा वेस्टर्न हिमालय रीजन की तरफ, जिसके कारण 23 से 27 तारीख के बीच में जो हिमालयन रीजन पे आप देखेंगे इफेक्ट देखने को मिलेगा। इससे लाइट टू मॉडरेट स्केटर टू वाइड स्प्रेड रेनफॉल होने की संभावना है, रेनफॉल ओवर स्नोफॉल जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड ड्यूरिंग 23 से 27 के बीच में, और पीक इंटेंसिटी जो होगी 24 से 26 के बीच में होगी। इसी के साथ साथ एक दो जगह पे हैवी मतलब भारी बारिश और स्नोफॉल होने की संभावना है जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में 24 तारीख को, उत्तराखंड में 24 और 25 तारीख को। और हेल स्टेम की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में 23 और 24 तारीख को, उत्तराखंड में 24 25 तारीख को, और पंजाब हरियाणा में 24 तारीख को हेल होने की संभावना भी है। और अगर हम प्लेन्स की बात करें तो लाइट रेनफॉल पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश में 23 तारीख को, और थोड़ा बढ़ जाएगा इंटेंसिटी मॉडरेट तक, और स्केटर्ड थोड़ा स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ेगा, जो स्केटर से पहली बार रेनफॉल होगी, होगी लाइट ही रेनफॉल के आसपास, विद थंडर स्टॉर्म भी होने की संभावना है 24 से 27 के बीच में, और दिल्ली में भी 24 से 27 बीच में लाइट रेनफॉल होने की संभावना है। अगर आप राजस्थान की और मध्य प्रदेश की बात करें, स्पेशली नॉर्थ राजस्थान में 25 से 27 के बीच में लाइट रेनफॉल होने की संभावना है। और मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में कोई टेम्परेचर में चेंज नहीं है, लेकिन अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो 2 से 3 डिग्री अगले 24 घंटे में बढ़ जाएगा, उसके बाद कोई चेंज नहीं होगा। जबकि ईस्ट इंडिया में अगर हम बात करें तो 2 से 4 डिग्री अगले 4-5 दिनों में बढ़ेगा, उसके बाद कोई चेंज नहीं है। और डेंस फॉग की बात करें तो आप देखेंगे केवल 24 घंटे में हिमाचल प्रदेश और उड़ीसा में कुछ एक दो जगह पर डेंस फॉग देखने को मिलने की संभावना है। अगर मैं ये ग्राफिकल फॉर्म में आपको बताऊं तो देखिए, आज डे 1 के लिए आप देख रहे हैं येलो कलर में केवल हिमाचल प्रदेश और उड़ीसा में डेंस फॉग के होने की संभावना है। उसके बाद कल यानी 22 तारीख को कोई किसी भी तरह की कोई एक्टिविटी होने की संभावना नहीं है। और 23 तारीख को वार्निंग की सिचुएशन है आपका, देखेंगे थंडर स्टॉर्म की थोड़ी वार्निंग है आपका हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में। और 24 तारीख को इंटेंसिटी जैसे मैंने बताया बढ़ जाएगा, तो हैवी रेन स्नो फॉल होने की संभावना है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में। इसी के साथ साथ हेल स्टॉर्म होने की संभावना भी है पूरे रीजन में, बल्कि हरियाणा और पंजाब में भी हेल होने की संभावना है, स्पेशली नॉर्थ हरियाणा, नॉर्थ पंजाब में, और थंडर स्टॉर्म उत्तर प्रदेश में होने की संभावना है। और डे 5 यानी 25 तारीख की बात करें तो थंडर स्टॉर्म लाइटनिंग पूरा उत्तर प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड में हैवी रेन भी होने की संभावना है, स्नोफॉल भी। और इसी के साथ साथ आप लेटेस्ट जानकारी के लिए हमारी साइट mausam.imd.gov.in को रेगुलर विजिट कर सकते हैं, और बहुत सारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ब्लॉग, जहां हम कंटिन्यूसली अपडेट करते रहते हैं जो भी लेटेस्ट अपडेट होती है। और इसी के साथ साथ अगर आप अपने हैंडी मोबाइल में कुछ लेटेस्ट अपडेट और वार्निंग देखना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप है मौसम ऐप, दामिनी ऐप और मेघदूत ऐप को भी यूज़ कर सकते हैं।
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। नमस्कार।